नमस्कार, स्वागत है आप सभी का A1 टीवी में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर और आप देख रहे हैं A1 उत्तराखंड। आइए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का पिथौरागढ़ दौरा, आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम में की शिरकत। नवनिर्मित 100 फीट तिरंगे झंडे का किया लोकार्पण, तो वही पौधारोपण कर दिया हरियाली का संदेश। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे अपने पैतृक गांव हड़खोला। ग्रामीणों ने ढोल नगाड़ों से किया भव्य स्वागत। हरिचंद मंदिर में परिवार संग की पूजा अर्चना और मांगी खुशहाली की दुआ। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का कुमाऊं दौरा, हल्द्वानी में महिला कार्यकर्ता के घर जाकर दी भिठौली, तो वहीं केदारी बगड़ में आयोजित पूर्व सैनिक सम्मान समारोह में की शिरकत। उत्तराखंड परिवहन निगम की सार्थक पहल, अब सीएनजी से चलेंगी रोडवेज की बसें। तैयारी हुई तेज, टेंडर प्रक्रिया जारी, सरकार से 600 बसों की मिली मंजूरी। हरिद्वार रोड स्थित डंपिंग ग्राउंड के बाहर लगे 3 खोखों में लगी आग। नजारा देखने के बाद आसपास के लोगों में मची अफरा तफरी। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। हवाई बुलेटिन की शुरुआत करते हैं विस्तार से। आपको बता दें कि प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पिथौरागढ़ के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने वरदायिनी मंदिर परिसर में आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम में शिरकत की और नवनिर्मित 100 फीट तिरंगे झंडे का लोकार्पण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि ये देव और वीरों की भूमि है। तिरंगा हमारे युवाओं में देशभक्ति एवं प्रेरणा बढ़ाने का कार्य करेगा। तिरंगा फहराने से ये सभी के मानस पटल और स्मृति पर हमेशा रहेगा और युवाओं में देशभक्ति की भावना को बढ़ाएगा, इसीलिए ये तिरंगा फहराया गया है। उन्होंने कहा कि तिरंगा हमारी आन बान और शान को मजबूत करने का कार्य करेगा। तो वहीं इस दौरान धामी ने वन विश्राम गृह में पौधरोपण कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया। देशभक्ति को बढ़ाने के हमारे इस क्षेत्र के सभी नौजवानों की प्रेरणा के लिए और भारत की एकता अखंडता के लिए जरूरी है, इसलिए सबके मानस पटल पर है, सबकी स्मृति में है, इसलिए तिरंगा लगाया गया। और वैसे भी ये पिथौरागढ़ वीर भूमि है और यहाँ से हमेशा वीरों का उदय हुआ है, तो निश्चित रूप से तिरंगा हमेशा हमारी आन। तो वही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शनिवार को पिथौरागढ़ से अपने पैतृक गाँव हड़खोला पहुंचे। गांव पहुंचने पर मुख्यमंत्री का ग्रामीणों ने ढोल नगाड़ों से भव्य स्वागत किया। तो वही गांव पहुंचते ही मुख्यमंत्री धामी ने हरिचंद मंदिर में जाकर अपने परिवार के संग पूजा अर्चना की और प्रदेश की सुख समृद्धि के लिए भगवान से प्रार्थना की। इस अवसर पर मंदिर परिसर में ग्रामीणों की ओर से झोड़ा चाचरी और खेल खेला गया। इसके बाद मुख्यमंत्री धामी ने ग्रामीणों से बातचीत की और उनकी समस्याओं को भी सुना। हमको अपने घर में अच्छा लगता है, हमारे पूर्वजों का, हमारे देवी देवताओं का, कई पुरखों का संबंध है। पुरखों से हमारे पूर्वज इस गांव में रहते आए हैं, यहाँ पर पूजन करते रहे हैं। उसी पद्धति को जो हमारे यहाँ की पहाड़ की संस्कृति है, पहाड़ की जो पद्धति है, उसी पद्धति के तहत मैं भी आया हूँ। पिछले काफ़ी समय से पूजा पाठ करना ड्यू था, पहले भी कार्यक्रम बना था, लेकिन मौसम खराब हो गया तो समय नहीं आ पाया। आज आया हूँ, बड़ा अच्छा लग रहा है। मैं सभी लोगों से मिलकर, सभी माताओं बहनों का, बड़े बुजुर्गों का, सभी बच्चों का। वही राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी एक निजी कार्यक्रम के तहत हरिद्वार दौरे पर रहे, जहां मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने बीजेपी के राष्ट्रीय नेताओं के आगामी कार्यक्रम की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा बहुत जल्द प्रदेश में गढ़वाल और कुमाऊं मंडल के दौरे पर आएंगे।
इसके अलावा पार्टी के दूसरे बड़े नेता भी उत्तराखंड पहुंचकर जनता से रूबरू होंगे। अनिल बलूनी ने कहा कि बतौर सांसद वे अपने काम से अभी संतुष्ट नहीं है, अभी उन्हें और अच्छे काम जनता के लिए करने हैं। एक लखनपुर का मामला है, एक नाबालिग लड़की है और प्रेम प्रसंग के चलते उसने कुछ तो वे उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और यशपाल आर्य कुमाऊं के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने केदारी बगड़ में आयोजित पूर्व सैनिक सम्मान समारोह में शिरकत की और साथ ही साथ कपकोट में विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान हरीश रावत ने अपने सदाबहार अंदाज में प्रदेश सरकार पर निशाना भी साधा। तो वे उत्तराखंड के डोईवाला में हिमालयन इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल के संस्थापक स्वामी राम महासमिधि की 26वीं पुण्यतिथि पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने शिरकत की। स्वामी राम की समाधि कार्यक्रम के अवसर पर मानवता सेवा पुरस्कार का वितरण किया गया और साथ ही संस्थान में उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मचारियों को भी सम्मानित किया गया। स्टे सरकार ने योजना तो बनाई कि होम स्टे, लेकिन होम स्टे होता क्या है, होम स्टे को कैसे सस्टेन करना है। अब गांव के आप किसी आदमी को पूछेंगे होम स्टे तो वो खुद ही चकरा जाएगा। तो ये हम लोगों ने निर्णय लिया कि इस योजना में जो उत्तराखंड के कुछ युवा हैं जो इस योजना को लागू करना चाहते हैं तो उनको ट्रेन किया जाए, उनका हाथ पकड़ के इस योजना को धरातल पर लागू किया जाए। तो इसके लिए हमने 1000 युवाओं को प्रशिक्षित करने का अपना लक्ष्य रखा है। स्वामी जी विश्व की धरोहर हैं। जिस तरह से उन्होंने एक शंकराचार्य के बाद इतना बड़ा प्रकल्प खड़ा किया, मानव की सेवा करने की मन में ठानी, और आज आप देख रहे हैं कि उनके अनुयायी लगातार आगे बढ़ रहे हैं। मेडिकल साइंस में तो इतना बड़ा प्रकल्प यहाँ खड़ा हो गया, इतना बड़ा हॉस्पिटल यूनिवर्सिटी खड़ी हो गई अब तो विभिन्न प्रकार से, लेकिन गांव घरों के अंदर 500 से ज़्यादा जगहों पर आपने पानी दे दिया है, 14,000 से ज़्यादा आपने शौचालय दे दिए हैं, इसी तरह से आपने करीब करीब 1000 लोगों को होम स्टे। तो अल्मोड़ा के दौलाघाट में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भूतपूर्व सैनिकों को सम्मानित किया। इस मौके पर पूर्व मंत्री यशपाल आर्य, राज्यसभा सांसद प्रदीप टमटा सहित सैकड़ों कांग्रेसी मौजूद रहे। इस अवसर पर हरीश रावत ने कहा कि कांग्रेस सैनिकों का सम्मान कर रही है और इसमें कोई राजनीति नहीं है। तो वही यशपाल आर्य ने कहा कि भाजपा से प्रदेश की जनता का मोहभंग हो गया है और अब कांग्रेस की लहर है। सैनिकों का सम्मान करके अपने उत्तराखंड का सम्मान कर रहे हैं और इसमें हमारी कोई राजनीति नहीं है। ये जो इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में बांग्लादेश की विजय का, बांग्लादेश निर्माण का अभियान चला था, बांग्लादेश एक देश के रूप में अस्तित्व में आया था, हमारे वीर सैनिकों के बहादुरी के बल पर एक नया इतिहास दुनिया में रचा था, उसके 50वें साल के उपलक्ष्य में हम प्रियदर्शनी सैनिक शौर्य सम्मान कार्यक्रम चला रहे हैं। देखिए प्रदेश की महान जनता ने, जनमानस ने मन बना लिया है परिवर्तन का। मैं कोई ज्योतिष तो नहीं हूँ, मैं बहुत सोचता हूँ, लेकिन जिस तरह का वातावरण है, जिस तरह का माहौल है और जिस तरह से लगभग पाँच वर्षों का कार्यकाल रहा है, वो साबित करता है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार चलाने में सक्षम नहीं है। वायदे और जो उनके इरादे हैं, जो उनके वायदे थे, वो सब
तो वहीं उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी चुनावी जमीन तलाशने में जुटी है और इसी के तहत काशीपुर में आम आदमी पार्टी के चुनावी कैंपेन कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बाली ने कहा कि आम आदमी पार्टी किसानों के हर संघर्ष में उन्हीं के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि किसानों के हित में ही पंजाब से आम आदमी पार्टी के सांसद भगवंत मान 15 नवंबर को किसान संकल्प यात्रा लेकर उत्तराखंड आ रहे हैं, जो जसपुर से खटीमा तक जाएगी और इस दौरान 6 जनसभाओं के साथ साथ 9 विधानसभाओं में भी रोड शो किया जाएगा। काशीपुर में सांसद की ओर से किसान संकल्प पत्र का विमोचन किया जाएगा, जिसमें किसानों से जुड़ी मूलभूत और महत्वपूर्ण सुविधाओं का भी जिक्र होगा। केंद्र सरकार के कानों पर जो नहीं रेंग रही है और वो तीनों काले कानून जो हैं उनको वापस नहीं ले रही है। इसी संदर्भ में आम आदमी पार्टी लगातार किसानों के इस आंदोलन में उनके साथ खड़ी है। हमारे संयोजक दिल्ली के मुख्यमंत्री माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जी द्वारा किसानों का भरपूर साथ दिया गया और दिया जा रहा है। इसी को देखते हुए उत्तराखंड में हमारे पंजाब के सांसद और हमारे नेता भगवंत मान जी 15 तारीख से किसान संकल्प यात्रा शुरू कर रहे हैं, जो कि जसपुर से शुरू होगी और पूरे उधम सिंह नगर में होते हुए उत्तराखंड के हल्द्वानी स्थित रामलीला मैदान में आपको बता दें कि ब्राह्मण सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें ब्राह्मण महासभा के प्रदेश अध्यक्ष पंडित विशाल शर्मा ने ब्राह्मणों की लगातार अनदेखी होने का मुद्दा उठाया और साथ ही इस अनदेखी पर सवाल खड़े किए। इस दौरान सरकार से ब्राह्मण हित से जुड़ी मांगों को पूरा करने की अपील भी की गई। ये सीधा सीधा सरकार जो वर्तमान सरकार है उसको भी और जो आने वाले जो भी राजनीतिक दल हैं जो 2022 में शिरकत करेंगे उनके लिए एक संदेश है। ब्राह्मण सिर्फ वोट बैंक नहीं है, जो ब्राह्मणों की हमेशा अनदेखी जो लगातार कर रहे हैं उनको बहुत महंगी पड़ने वाली है। जब छठ पूजा जैसा एक छोटा सा पूर्वांचलिक त्यौहार कर सकते हैं, हमें किसी का विरोध नहीं है, लेकिन जब उनके लिए राजनीतिक रोटियां सीखने के लिए अवकाश कर सकते हैं तो ब्राह्मण कब से जो मांग कर रहा है कई सालों से परशुराम जयंती अवकाश का और वो नहीं कर रही, उसका अनदेखी कर रही है। ये सीधा सीधा आप उसको समझना होगा सरकार को कि उसको महंगी पड़ने वाली है 2022 में, उसको उसका जवाब मिलने वाला है। जितनी भी अनदेखी कर ले उतना उसको महंगा पड़ेगा। कोई ऐसा चुनाव लड़ने का विषय तो बता दें कि बाजपुर के चीनी मिल गेस्ट हाउस में भारतीय जनता युवा मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नेहा जोशी ने कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने विधानसभा चुनाव में भाजपा की पुनः सरकार बनने की बात कही। बता दें कि विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ लगातार बैठकें कर रहे हैं और इसी के चलते भारतीय जनता युवा मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नेहा जोशी बाजपुर के चीनी मिल गेस्ट हाउस पहुंची। इस दौरान उन्होंने विधानसभा चुनाव में भाजपा को पुनः सत्ता में लाने के लिए बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत करने की बात कही। हमने पिछले 4.5 साल में जो काम किए हैं प्रदेश सरकार में और केंद्र सरकार ने जो पिछले 7 साल में काम किए हैं उन सब कामों को लेकर वो रिपोर्ट कार्ड लेकर हम जनता के बीच में जाने वाले हैं। और जैसा कि आप मीडिया के साथ ही कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हमेशा सक्रिय रहता है, चुनाव मोड में रहता है, तो जहां और पार्टियां आज शायद अपने अपने अंतर्कलह को सुलझाने में लगी हुई हैं, आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आज ग्राउंड पे है। हमारा परिवार भाजपा परिवार जो हमारा कैंपेन चल रहा है कई जगह, आज अभी मैं गदरपुर में थी। खबर उत्तराखंड के उधम सिंह नगर से है, जहां नानकमत्ता में नर्सरी फॉर्म का संचालन कर रहे एक व्यक्ति ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इस व्यक्ति का कहना है कि वो पिछले 30 साल से सरकारी भूमि को लीज पर लेकर कार्य कर रहा है, लेकिन अब उसे बिना नोटिस दिए सिंचाई विभाग एवं प्रशासन की ओर से हटाया जा रहा है। तो वह प्रशासन का कहना है कि इस जगह को किसी दूसरे व्यक्ति ने लीज पर लिया है और इसीलिए उसके स्टे ऑर्डर पर इस जमीन को खाली करवाया जा रहा है। अधिकारी सिंचाई विभाग के एसडीओ आए थे और उनके और भी अधिकारी आए थे और उनके साथ साथ नानक माता के क्या नाम है, मेरे पास कोर्ट का आदेश है
और आप इसको पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद से जो करना होगा कीजिए। कह रहे हैं कि हम किसी की बात नहीं मानते हैं, कोर्ट की भी नहीं मानते हैं, हम कह रहे हैं कि हटाओ। तो वह उत्तराखंड के बाजपुर में दुराचार का शिकार हुई नाबालिग लड़की ने तेजाब का सेवन कर लिया, ऐसे में उपचार के दौरान इसकी मौत हो गई। घटना की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इधर मृतका के पिता ने चार लोगों के खिलाफ पुलिस को तहरीर देकर कार्यवाही की मांग की। तो वहीं पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और घटना के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है। एक लखनपुर का मामला है, एक नाबालिग लड़की है और प्रेम प्रसंग के चलते उसने कुछ दिन पहले तेजाब का सेवन कर लिया था और साथ ही साथ उसने सुसाइड नोट छोड़ा है जिसमें उसने अपने कथित प्रेमी पर आरोप लगाया है और इसी के साथ उसको ऋषिकेश एम्स में भर्ती किया गया। काफ़ी दिन वहाँ रहने के पश्चात अंततः उसकी मृत्यु हो गई और शव को यहाँ घर पर लाकर उसका पंचायतनामा भर के। तो वहीं उधम सिंह नगर के रुद्रपुर कोतवाली थाना क्षेत्र में एक ज्वेलर शॉप में दो महिलाओं ने सोने के कंगन पर हाथ साफ कर दिया। हालांकि पूरा मामला सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है, इसे लेकर पीड़िता ने मामला दर्ज कराया। पीड़िता ने बताया कि शॉप पर दो महिलाएं और तीन लोग आए थे, इस दौरान कंगन देखने के बहाने एक जोड़ी कंगन पार कर लिए गए। फिलहाल पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच शुरू कर दी है। ऋषिकेश में हरिद्वार रोड स्थित डंपिंग ग्राउंड के बाहर लगे तीन दुकानों में अचानक आग लग गई। घटना में एक दुकान जलकर खाक हो गई। आग डंपिंग ग्राउंड में फैलने की वजह से दुकानों तक पहुंची। आपको बता दें कि सूचना के बाद मौके पर पहुंची दो दमकलों ने आग पर काबू पाया। फिलहाल आग से हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है। तो वह उत्तराखंड परिवहन निगम की बसें बहुत जल्द सीएनजी से चलेंगी। जी हां, निगम ने इसके लिए टेंडर भी जारी कर दिया है। रोडवेज की 600 बसों को डीजल से सीएनजी में परिवर्तित किया जाएगा। दरअसल परिवहन निगम ने बीते दिनों दिल्ली से कुछ बसें इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड से लीज पर ली थी जो कि सीएनजी से चलती हैं। ये दून दिल्ली रूट पर संचालित हो रही है। इन बसों से डीजल वाहन के मुकाबले रोडवेज को खासी कमाई हो रही है। पिछले दिनों इसी आधार पर बोर्ड बैठक में यह फैसला लिया गया था कि परिवहन निगम की 600 बसों को सीएनजी में संचालित किया जाएगा और इसके साथ ही निगम जो करीब 300 अनुबंधित बसें अपने बेड़े में जोड़ेगा वो भी सीएनजी से संचालित होंगी। इसके लिए निगम ने बकायदा प्रोत्साहन की योजना भी बनाई है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की जानकारी के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।